तो भाई फिलहाल नगूरा गांव में हम लोग पहुंचे थे और बताया ये जाने लग रहा है कि भी यहाँ पे जो एक ये प्राचीन मंदिर है जो पांडवों के टाइम का बहुत प्राचीन मंदिर है और आज जो है आपको इसके दर्शन कराएंगे और जो नगूरा गांव के अनुयायी इनसे पूछेंगे भाई कैसे खुदाई की थी उन्होंने और कैसे ये पांडवों के टाइम का जो है यहाँ पे मंदिर मिला था। तो फिलहाल ये नगूरा के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? राम जुआरी शर्मा। अच्छा जी शर्मा जी। नगूरा। नगूरा। अच्छा जी कितने साल पुराना मंदिर है जी? ये भाई पांडवों के टाइम का बहुत प्राचीन मंदिर है क्योंकि पांडवों ने यहाँ पे खुदाई करी थी। अच्छा। यहाँ पे विश्राम करते थे, पिंडारा से अपने खुदाई करे थे वो जब। अच्छा अच्छा। तो यहाँ विश्राम करते थे तो यहाँ भी खुदाई हुई थी मंदिर की। यहाँ पे इसमें बहुत प्राचीन मूर्ति है जो मिली थी पांडवों के टाइम में खुदाई के टाइम की, अभी भी रखी हुई है मंदिर में, आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके। अच्छा। और चलो मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो भाई ये देख सकते हो यही यही पूरी बिल्डिंग है जो मतलब मिली खुदाई में मिला था। अच्छा तो भाई देख सकते हो ये बताया जाने लग रहा है कि लगभग वही 5 से 6 हजार साल पुराना हो सकता है ये मंदिर। दिखा दे भाई कैमरा मैन, देखूंगा एक बार ये फोटो दिखा दे भाई। ये भी पुरानी है जी? बहुत प्राचीन है ये। ये तस्वीर देख सकते हो भाई, मूर्तियां जो अंदर भी है वो पेंटिंग की हुई है जो। अच्छा अच्छा वो भी पुराने टाइम की है। ये जो बिल्डिंग है भाई आप देख सकते हैं ये पुराने टाइम की है, हालांकि जो रंग पेंट है वो थोड़ा मरम्मत वगैरह कराई गई होगी लेकिन जो पूरी चीज है वो आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो कौन सी माता की, ये जो छोटी छोटी जो तस्वीरें हैं ये हनुमान जी की, बालाजी महाराज की मूर्ति है, ये भी प्राचीन टाइम की बहुत पुरानी मूर्ति है वो आप दिखाइए भाई। ये हनुमान जी की फोटो है। हाँ जी हनुमान जी की फोटो। ये देख सकते हो भाई ये पांडवों के टाइम की फोटो है जी। पांडवों के टाइम। हाँ ये छोटी छोटी सभी मूर्तियां ये यहाँ पे अपने जो तालाब की खुदाई करी थी यहाँ पे पांडवों ने, तो तब ये मूर्तियां निकली थी छोटी छोटी खुदाई के टाइम पे, तब से लेकर आज तक ये रखी है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ऊपर दिखा दो ये देख सकते हो भाई पूरा प्राचीन मंदिर है और मतलब कितनी मान्यता है लोग किस 12 गांव की मान्यता यहाँ पे बहुत मान्यता है और बाबा का हर साल भंडारा लगता है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ जी तो भाई देख सकते हो ये जो मतलब पांडवों के टाइम का मंदिर है और खुदाई के दौरान यहाँ पे शायद किस चीज की खुदाई कर रहे थे? ये तालाब की खुदाई हो रही थी पांडवों के टाइम में। अच्छा। तो उस टाइम निकली थी सभी मूर्तियां यहाँ पे, सभी मूर्तियां उस टाइम निकली थी। तो उस टाइम फिर पता लगा कि भाई इस तरीके से फिर यहाँ पे तब से लेकर ये जो पूरा गुंबद था ये उसके अंदर से निकला। हाँ ये अंदर से निकला था खुदाई के टाइम में। तो देख सकते हैं आप ये मूर्तियां हैं जो इसमें पहले की पेंटिंग है, अब तो ये शायद नहीं होती होगी ना ही किसी उतरने आती होगी कोई ऐसा पेंटर भी नहीं अब तो जो इनको। हाँ हाँ ये देख बना सकते देगा। ये किस तरीके से बनाई हुई, थ्री डी बनाई हुई है जी बहुत प्राचीन। किस मतलब पता चले था भाई किस माता का मंदिर है या फिर वैसे पहचान नहीं हो पाई? बस यही पता लगा था काली माता का मंदिर था यहाँ पे, बहुत प्राचीन मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पे पहले यहाँ पे बाबा अगमपुरी महाराज की समाधि भी अंदर, वो भी दिखाएंगे आपको। बहुत प्राचीन। तो भाई देख सकते हो आप सभी दर्शन कर सकते हो और कमेंट में जय माता की जरूर लिख दे भाई, जय माता दी। तो आज भाई जो वो है वो भी आपको दिखाएंगे अब, बाबा क्या है जी वो? अगनपुरी जी। अगनपुरी, अगनपुरी महाराज की समाधि है जो, समाधि है जो, वो भी दिखाएंगे बाबा जी। पांडवों के टाइम की आप लगातार हमारे चैनल पर वीडियो देखते रहते हो भाई, अलग अलग धर्मों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की वीडियो। तो आज हम नगूरा गांव में पहुंचे थे क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि भाई वो मंदिर दिखाओ, मान्यता बहुत ज्यादा है 12 गांव की। ये है जी। अच्छा जी ये मंदिर है जी बाबा अगनपुरी महाराज जी की समाधि है, बाबा जी ने अपना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो यही पे समाधि है, इसकी बहुत मान्यता है, बहुत प्रसिद्ध है पर्चा बाबा जी का। अच्छा जी सारे गांव के वासी यहाँ पे पूर्णवासी को धोख लगाने के लिए आते हैं। अच्छा गांव में मतलब अच्छी मान्यता, चमत्कार वगैरह होते थे, चमत्कार फूल चमत्कार बाबा जी का फूल पर्चा जी इसमें बतावा। मतलब पहले बाबा जी ने कुछ गांव में संकट आता था तो एक दो दिन पहले सूझ जाकर पहले बाबा जी बता देते थे जो भी कुछ विपता आनी थी गाँव पे और यहाँ पे जो भी ऊपरी प्राय का जो भी कुछ संकट होता था बाबा जी तुरंत उसको फिलहाल कौन है मंदिर में मठ के पे? फिलहाल यहाँ पे भावी एमपी हमारे बाबा देवगिरी जी महाराज एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा जी। हाँ जी उस साइड भी बता रहे क्या जी? ये छोटा सा एक जू बना रखा है इसमें खरगोश। अच्छा 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 जी देख सकते हो भाई पशु पक्षियों का भी जो है ध्यान रखा गया है, देख सकते हो आप भी अपनी छत पर चिड़िया के लिए जो पानी का वही वो भी जरूर रखें। रखते हैं जी जो छत के ऊपर पानी रखें अपने चिड़िया के लिए, आप क्योंकि गर्मी ज्यादा है जी। और ये मंदिर देख लो जी, ये माता रानी का मंदिर अभी बनवाया है, ये देखो भाई दिखा भी कैमरा मैन देखूंगा। ये मंदिर अब बनाया भाई माता रानी का, फिलहाल बाबा बनभोरी वाली और ज्वाला माई, लगभग मतलब आप यहाँ पे सारी माताओं के मंदिर है, सारे कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं है, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, सभी लोग तन मन धन से सारे सहयोग करते हैं, सभी अपने माथा टेकने आते हैं यहाँ पे भंडारे में आते हैं, कोई भेदभाव मतलब नहीं है। हिंदू धर्म का एक जनमत है पूरा, जनमत पूरा, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, सभी गांव के लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। 12 गांव का जी,
बारह गांव का मंदिर है, 12 गांव की मान्यता है। अच्छा, हर साल बहुत बड़ा भंडारा होता है बाबा जी का, नवरात्रों में यहाँ पे जागरण होता है, भंडारा होता है। अच्छा, और वैसे भी लगता है बाबे का भंडारा एक बार। अच्छा, तो देख सकते हो भाई पूरे मंदिर के जो है आपको दर्शन कराए। उस साइड वो तालाब है जो बता रहे थे, तालाब है जो वहाँ पे, उस साइड वो तालाब है, दिखावा किस साइड को ताला लगा। हाँ जी, चलो एक बार दिखा दे, शायद तो ताला लगे हुआ शायद वहाँ पे निकलेंगे। तो भाई इस साइड जो तालाब है, जो जिसकी खुदाई के दौरान जो ये पूरे पौराणिक चीजें मिली थी, वो भी आपको दिखाएंगे, ऊपर से दिखा देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। इसकी खुदाई जब पांडवों ने करवाई या लोगों ने करवाई, तो इसमें ये पूरा मठ निकला था। ये पूरा मंदिर यहीं पे मठ निकला, ये इसके अंदर छोटी छोटी मूर्तियां निकली थी, उन्होंने दिखाई। ये तालाब है जी, जो पांडवों ने खुद अपने हाथों से इसकी खुदाई करी थी। अच्छा जी, हाँ जी, ये पांडव आते थे यहाँ पे विश्राम करते थे। बरगद का पेड़ लगभग ये 500-700 साल पुराना है, देख सकते हो भाई, लगभग 500-700 या 1000 साल भी हो सकता है। हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है, ये बहुत पहले से ही हम तो देख रहे हैं इसको। ये तालाब है जी अपना, ये तालाब है जो इसकी खुदाई के दौरान ये जो सारी चीजें यहाँ पे मिली थी, उसके बाद इतनी मान्यता हुई। आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी जाति धर्मों में यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और गांव में बिल्कुल सुख शांति बनी रहती है। सुख शांति जी, बाबा की दया से सुख शांति गाँव में, आज तक कोई भी विपत्ता या संकट नहीं आया गाँव पे। तो फिलहाल भाई गाँव नगूरा में मौजूद थे, गाँव नगूरा जो जिन साइड से आते हैं, सापर कंडेला और नगूरा। हाँ जी, सापर कंडेला नगूरा हाईवे पे, ये चंडीगढ़ रोड है जो कैथल वाला, जिन से चंडीगढ़ वाला, इसके मेन रोड पे है। बिल्कुल रोड पे ही मंदिर है ये, रोड पे ही मंदिर है जी। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है, पूरे मंदिर के जो है दर्शन करा दिए हैं। आपने के कुछ लगा है भाई, यदि आपके भी क्या भाई परशुराम, हाँ ये तो बता दिया भाई, हर तरीके का मंदिर है यहाँ पे, सर्वधर्म संपन्न है एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तो पूरी वीडियो देख ली है, आपके गांव शहर में कोई ऐसी चीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। फिलहाल पूरी वीडियो देख ली है, जय माता दी।